नमस्कार, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। हम सभी ये जानते हैं कि श्री गणेश को दुर्वा बहुत प्रिय है। दुर्वा को दूब भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की घास होती है जो सिर्फ गणेश पूजन में ही उपयोग में लाई जाती है। गणेश जी की पूजा में दुर्वा का काफी महत्व है। कहा जाता है इसके बिना गणेश पूजा पूरी नहीं होती। तो आइए जानते हैं आखिर श्री गणेश को क्यों इतनी प्रिय है दुर्वा, इसके पीछे क्या कहानी है और क्यों इसकी 21 गांठें ही श्री गणेश को चढ़ाई जाती हैं। एक कथा के अनुसार पुराने समय में अनलासुर नाम का एक असुर था जिसकी वजह से स्वर्ग और धरती पर सभी त्रस्त थे। अनलासुर ऋषि मुनियों और आम लोगों को जिंदा निगल जाता था। असुर से त्रस्त होकर देवराज इंद्र सहित सभी देवी देवता और प्रमुख ऋषि मुनि महादेव से प्रार्थना करने पहुँचे। सभी ने शिवजी से प्रार्थना की कि वे अनलासुर का नाश करें। शिवजी ने सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर कहा कि अनलासुर का अंत केवल गणेश ही कर सकते हैं। जब गणेश ने अनलासुर को निगला तो उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। कई प्रकार के उपाय किए गए लेकिन गणेश जी के पेट की जलन शांत नहीं हो रही थी। तब कश्यप ऋषि ने दुर्वा के 21 गांठे बनाकर श्री गणेश को खाने को दी। जब गणेश जी ने दुर्वा ग्रहण की तो उनके पेट की जलन शांत हो गई। तभी से श्री गणेश को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। कैसे बनाएं दुर्वा की गांठ? इसके लिए 21 दुर्वा को एक साथ इकट्ठा करके एक गांठ बनाई जाती है और कुल 21 गांठें गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।